सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। तो फाइनली जून 2024 एंड हो चुका है और यहाँ पर रियलमी वालों ने अपने डिवाइसेस के अंदर रियलमी UI 4.0, 5.0 एंड रियलमी UI 6.0 का अपडेट प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला, साथ ही आपके डिवाइसेस में कब तक देखने को मिलेगा, इसके अलावा रियलमी वालों ने काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन का अपडेट प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ पर मैं फुल डिवाइस लिस्ट और साथ ही सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के बारे में बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का डिवाइस लिस्ट और सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के बारे में बताने से पहले हम चलते हैं Realme के ऑफिशियल कम्युनिटी पेज पर। आपको पता ही होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट न्यू रोल आउट होता है उसका इंफॉर्मेशन हमें Realme के ऑफिशियल कम्युनिटी पेज पर पता चल जाता है। और यहाँ पर अभी जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट हुआ है उसमें किसी किसी डिवाइसेस को मई 2024 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है और किसी किसी डिवाइसेस को जून 2024 का करेंट मंथ का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉइड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जून 2024 के डिवाइस लिस्ट की बात करें तो Realme GT60, Realme Narzo N53 एंड Realme 10 Pro Plus को Realme UI 4.0 एंड Realme UI 5.0 के अपडेट के साथ जून मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ Realme C51 एंड Realme 9i को Realme UI 4.0 के अपडेट के साथ जून मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बात कीजिए अगले डिवाइसेस की तो Realme C53 एंड Realme 10 को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ Realme C53 को जून मंथ में अर्ली एक्सेस एंड Realme 10 को जून मंथ में ओपन बीटा अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ Realme 9 4G को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ में स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बात कीजिए अगले डिवाइसेस की तो Realme GT60, Realme Narzo 60X एंड Realme C67 को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ Realme C55, Realme 11 5G एंड Realme 11X 5G को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। साथ ही Realme Pad 2 को जून मंथ का न्यू स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बात कीजिए अगले डिवाइसेस की तो Realme 11 Pro Plus, Realme 11 Pro एंड Realme Narzo 60 Pro के अंदर Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ Realme Narzo N53 को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ में फर्स्ट अर्ली एक्सेस अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ Realme GT2 को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ में स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है। इसके अलावा बात की जाए अगले डिवाइसेस की तो Realme 12 Pro Plus को Realme UI 6.0 बेस्ड ऑन Android 15 के अपडेट के साथ जून मंथ में सेकेंड बीटा अपडेट देखने को मिल चुका है। इसी के साथ Realme Narzo N53, Realme 12 Pro, Realme C51 एंड Realme GT2 Pro को Realme UI 5.0 बेस्ड ऑन Android 14 के अपडेट के साथ जून मंथ का स्टेबल अपडेट देखने को मिल चुका है।
अब दोस्तों बात की जाए Realme के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। आप यहां पर आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहां पर आपको Realme UI 4.0, 5.0 एंड Realme UI 6.0 के काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों Realme UI 6.0 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा। तो ये रहा जून मंथ का फुल डिवाइस लिस्ट जिन्हें Realme UI 4.0, 5.0 एंड Realme UI 6.0 का अपडेट देखने को मिला, साथ ही सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट के बारे में बताया हूँ। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।